दोस्तों, क्या मिर्च की खेती में फूल फल आने के समय फल फूल कम आता है, और अगर आता है तो वो भी अगर गिर जाता है या फिर झड़ जाता है, जो भी बोलते हैं, ऐसे समस्या का सम्मुखीन होना पड़ता है? या फिर जैसे पौधा ठीक ठाक नहीं रहता है, प्रोडक्शन ठीक ठाक नहीं मिलता है, तो इस समस्या से अगर आप लोग परेशान हैं तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मिर्च की खेती में फल फूल का संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ अगर फूल गिरने का समस्या देखने को मिलता है तो उसको भी कैसे रोका जाता है, और अगर पौधे का ब्रांच यानी जो टहनियाँ बोलते हैं वो भी कम आता है तो वो उसको भी ज़्यादा ले आएगा। तो ऐसे पूरे डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मिर्च का खेती में फल फूल अगर कम आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मिर्च के खेती में अगर फल फूल कम आता है तो बहुत कारण है, जैसे कि मौसम के कारण होता है, कभी कभी पानी के कारण होता है, खाद के कारण भी हो सकता है, या फिर कभी कभी जैसे कीट बीमारियां लगता है तो उसके कारण भी होता है। तो सबसे पहले मौसम की अगर बात किया जाए तो देखिए, मिर्च की खेती में गर्म तथा आर्द्र जलवायु सबसे बेस्ट माना जाता है, और इसके पौधे में लगभग ज़्यादा अगर ठंडी या फिर गर्मी दोनों ही हानिकारक होता है। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो भी हानिकारक है, या फिर ज़्यादा गर्मी होता है तो भी हानिकारक होता है। तो इसी ध्यान से आप लोगों को मिर्च की खेती करना चाहिए। उसके अलावा जैसे अंकुरण के समय बढ़भार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है मिर्च का खेती में, और जैसे कि मिर्च के फसल में फल फूल आने के समय गर्म का वेदर होता है तो वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये तो हो गया मौसम के बारे में बात। अब फल फूल मिर्चा में अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पानी के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी ठीक ठाक तरीके से अगर नहीं देते हैं, ज़्यादा देते हैं या फिर कम देते हैं तो भी दिक्कत होता है, इसलिए पानी का ध्यान भी बहुत ही मायने रखना पड़ता है। तो मिर्च के फसल में मिट्टी के अनुसार, भूमि के अनुसार या फिर वर्षा के आधार पर आप लोगों को सिंचाई करना चाहिए। जैसे अगर वर्षा कम हो रहा है तो 10 से 15 दिन अंतराल आप सिंचाई कीजिए, और अगर दमट मिट्टी है तो 10 से 12 दिन अंतराल सिंचाई कीजिए, और ढालू ज़मीन में जैसे अगर मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो 9 से 10 दिन के अंतराल आपको सिंचाई करना ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि और एक इम्पोर्टेंट बात है कि मिर्च के फसल में फूल और फल बनते समय सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इस टाइम पर अगर सिंचाई नहीं करता है तो फल फूल गिर जाने का समस्या देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च के फसल में पानी अगर रुका रहता है तो भी फल फूल गिरने का समस्या देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया पानी यानी सिंचाई के बारे में बात। अब कभी कभी खाद के कमी के कारण भी मिर्च के फसल में मिर्च का फूल फूल कम आता है, या फिर आता है तो गिर जाता है, तो ये भी होता है खाद के कारण भी। तो खाद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर मिर्च के फसल में कोई कोई किसान करता है कि गोबर की खाद डालते ही नहीं है, लेकिन गोबर की खाद बहुत ही ज़रूरी होता है। गोबर की खाद अगर नहीं डालते हैं तो मिर्च के फसल में लास्ट तक मिर्च का हार्वेस्टिंग ठीक ठाक नहीं हो पाता है, जैसे कि शुरुआती में ठीक ठाक होता है और बाद में प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि अगर NPK वगैरह खाद वगैरह जो डालते हैं तो वो सोयल टेस्टिंग के आधार पर ही डालना चाहिए। सॉइल टेस्ट यानी पहले आप लोगों को मिट्टी को जांच कर लेना चाहिए कि कौन सी खाद का कमी है मिट्टी में, हमारे मिट्टी में, उसी को आप डालिए, उसी के आधार पर खाद डालने के बाद आप लोग मिर्च का खेती करना चाहिए। उसके अलावा मिर्च के फसल में अगर कीट बीमारियों का प्रकोप होता है शुरुआती अवस्था में तो भी फल फूल आने के समय कम फल फूल आता है, या फिर आता है तो फिर झड़ जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से दवा स्प्रे कर लेना चाहिए। और अगर मिर्च के फसल में ठीक ठाक तरीके से शुरुआती अवस्था में दवा नहीं डालते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है फल फूल आने के समय, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इतने सारे सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मिर्च का फसल में फल फूल कम आता है या फिर झड़ जाता है तो उसके लिए बाज़ार में बहुत सारे दवा मिलता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण दवा रहता है और इसके ऊपर काफ़ी मैंने ट्रायल भी किए हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, तो उस दवा को अगर छिड़काव करते हैं तो ये समस्या देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि उस दवा का नाम है नेफ्थोलिन एसिटिक एसिड, NAA। ये एक हार्मोन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है फल फूल के लिए। तो बाज़ार में जैसे बायर कंपनी का
प्लानोफिक्स नाम पे मिल जाता है, तो उसको आप लोगों को 0.25 ml पर लीटर के पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मिर्च की खेती में फल फूल का संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ अगर फल फूल गिरता है तो उसको भी कैसे रुका जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो चैनल में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।